पहाड़ों पर जमकर बरस सकते हैं बादल। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट। 1 से 12 क्लास तक के बच्चों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। पहाड़ों में मानसूनी बारिश ने आफत मचा दी है। केदार घाटी में बारिश होने से केदारनाथ हाईवे बंद है, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। मलबे को हटाने का काम जारी। राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आज से तेज हो सकती है बारिश। हालांकि कल मौसम विभाग की जानकारी के बावजूद राजधानी में नहीं हुई बारिश। गुजरात के लोगों पर अगले 2 दिन भारी। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट, यानी इन इलाकों में हो सकती है बहुत भारी बारिश। गुजरात के कई इलाकों में आसमानी आफत ने तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिश के बाद जूनागढ़ से पोरबंदर जाने वाली सड़क को किया गया है बंद। कई इलाके जलमग्न, 29 गांवों का संपर्क टूटा। बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। शिवाजी पार्क, दादर, वडाला में सड़कें तालाब बन गई। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। असम के गुवाहाटी में लगातार बारिश से परेशानी बढ़ी। भारी बारिश की वजह से खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। 14 से ज्यादा जिलों पर असर। गोलाघाट में लोगों के लिए बारिश मुसीबत बन गई। कई इलाके जलमग्न हुए। पानी में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने संभाला मोर्चा। लाखों लोग प्रभावित। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का दावा। कहा, भारी बारिश के बाद बाढ़ जो आई है, राज्य के करीब 2.5 लाख लोगों से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। आगे आने वाले दिनों में और बिगड़ सकते हैं हालात। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कलमवाड़ी बांध के पास घूमने गए 2 लोग झरने में बह गए। जानकारी मिलने के बाद लापता लोगों की तलाश में जुटी इलाके की पुलिस। यूपी का परिवार। हादसे के बावजूद लोनावला के बुशी डैम के पास नहीं बरती जा रही है कोई सावधानी। अब भी बड़ी तादाद में लोगों का पहुंचना जारी। प्रशासन पर लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप। महाराष्ट्र में भारी बरसात के बाद नदी नालों में पानी बढ़ गया है। औरंगाबाद में अजंता गुफा के पास सप्तकुंड झरने में उफान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तेज बारिश के चलते कई इलाकों में भीषण जलभराव। बारिश के पानी में कई गाड़ियां फंसी। तेज बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नगर निगम की पोल खुल गई। ऑफिसर कॉलोनी में जल खराब नजर आ रहा है। हल्की बारिश में ही इलाके में 1-1 फीट तक पानी भर गया। लोगों को बहुत परेशानी है। मूसलाधार बारिश से केरल के त्रिशूर में जल प्रहार। वॉटरफॉल में बढ़ी पानी की रफ्तार। घूमने पहुंचे लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया है। आज शाम पीएम मोदी लोकसभा में चर्चा पर दे सकते हैं जवाब। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर संसद में घमासान और बढ़ने के आसार। लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर पीएम मोदी ने जवाब दिया। भाषण के बीच टोक कर राहुल को कहा, हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू समाज को हिंसक बताने वाले बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। आज बीजेपी राज्यों के सभी मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लहराई भगवान शिव की तस्वीर। बीजेपी को बताया हिंसा करने वाली पार्टी। बोले, सिर्फ बीजेपी वाले हिंदू नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर भड़के गृहमंत्री अमित शाह। बोले, राहुल ने कहा जो हिंदू हैं वो हिंसा करते हैं, ये हिंदू धर्म का अपमान है। अपने बयान पर माफी मांगे राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण का होगा सत्यापन। राहुल गांधी के भाषण पर अमित शाह ने आपत्ति जताई थी। कहा, राहुल गांधी ने कई बातें ऐसी कही जो सच नहीं है। राहुल गांधी के बयान को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया हिंदू विरोधी। कहा, माफी मांगे राहुल। प्रियंका बोली, मेरे भाई ने बीजेपी के बारे में बोला। नेता प्रतिपक्ष के भाषण पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का तीखा प्रहार। कहा, पहले दिन से फैला रहे हैं झूठ। राहुल गांधी के मन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत है।
नेता प्रतिपक्ष के हिंदू वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा राहुल गांधी ने भगवान शिव का अपमान किया, संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, राहुल गांधी के बयान से पूरा हिंदू समाज शर्मिंदा हुआ, हिंदुओं को हिंसक बताना उनकी मानसिकता का प्रतीक, नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। आरएसएस नेता सुनील अंबेडकर ने राहुल के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले संसद में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ रहे हैं, हिंदू तो भाईचारे का प्रतीक। राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पलटवार, बोले हिंदू भारत की मूल आत्मा है, राहुल को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, गर्व है कि हम हिंदू हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पूरे हिंदू समाज को हिंसावादी कहकर राहुल गांधी ने हिंदुत्व का अपमान किया, हिंदुओं से लोकसभा में माफी मांगनी चाहिए राहुल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूछा, राहुल गांधी को आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है, परिवारवाद से पनपे राहुल का बयान विभाजनकारी सोच का नतीजा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर का जिस तरीके से अनादर किया उसे देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी के सदन में भाषण पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को बताया एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन। प्रयागराज में गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप, माफी मांगने की मांग की।